बेस यूआरएल का एरर आ रहा है, जी तो ज़रा दिखाएं क्या एरर आ रहा है। एक मिनट में, एक सेकेंड सर, सर मैंने सारा कमिट कर दिया था। अच्छा कोशिश किया करें, जब मुझे एरर आप दिखा रहे हो ना तो आपका कोड रेडी हो मुझे दिखाने के लिए। अभी आप ना सर वो ये माइक काम नहीं कर रहा था ना, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। अब एक सेकंड, सर नेटवर्क के टैब में जाएं, रिक्वेस्ट क्या भेजता है ये बेस यूआरएल, अगर सही है तो रिक्वेस्ट सही भेज रहा होगा। इसको रिफ़्रेश करें, इस पेज को, प्रोडक्ट के पेज को, इसको थोड़ा बड़ा करें। एग्जियोस ने ये प्रोडक्ट पे जो रिक्वेस्ट भेजी है लाल हुआ है जो, इस पे जाके दिखाएं मुझे क्या रिक्वेस्ट भेजी है। ये प्रोडक्ट जो लाल हुआ है इस पर क्लिक करें। ये क्या सीन है वहाँ पे, इसको ज़रा कॉन्सोल पे जाइएगा, कॉन्सोल पे। अच्छा एक मिनट सब्र कर दीजिए, अब कोड में वापस जाएं जहाँ पे आपने वो लगाया हुआ है। ये लाइन नंबर 44 में ना बेस यूआरएल को ज़रा कंसोल में प्रिंट करवा दें, लाइन नंबर 44 में बेस यूआरएल को प्रिंट करवा दें। बेस यू आर एल तो सही प्रिंट हो रहा है आपका, बिल्कुल लोकल होस्ट 3000 प्रिंट हो रहा है। ठीक सर्वर चल रहा है आपका लोकल होस्ट पे, दिखाइएगा सर्वर पे एरर क्या आया है। लोकल होस्ट 3000 तो सही आ रहा है यहाँ पे, सर्वर चल रहा है आपका, सर्वर तो चल ही नहीं रहा आपका। है सर, अभी बंद हुआ है। अच्छा तो चलें दोबारा चला लें, अब दोबारा हिट करें ज़रा प्रोडक्ट के पेज को, रिफ़्रेश करें, रिफ़्रेश कर लें। लोकल होस्ट 3000 यहाँ से तो सही गया है, दिखाएं आप सर्वर पे दिखाएं क्या हुआ है। यार ये क्या सीन है, तो बड़ी अजीब सी बात है। ओहो आपने HTTPS लगाया हुआ है लोकल होस्ट 3000 में, लाइन नंबर 39 में ना HTTPS नहीं लगेगा, ये एस हटाना पड़ेगा आपको इसका। हाँ हरिको पे लगता है एस, इसमें नहीं लगता। सेव करें, आप चला कर देखें, चला कर देखें बस, सही है एस अड गया ना। हाँ देखें आ गया वो ये हो एस, गया गलती से आपने एस लगा दिया था। जी। थैंक यू सर। अच्छा किसी और को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू जो डिस्कस करना चाह रहा हो सर मेरा भी एरर आ रहा है। जी, दिखा दें मुझे, अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। ये ऐड करें तो ये आ जाता है।
ऐड करें तो ये आ जाता है। तो नेटवर्क पे जो रिक्वेस्ट गई है वो मुझे दिखाएं, यस नेटवर्क की रिक्वेस्ट, नेटवर्क के टैब में जाएं, कंसोल के पड़ोस में नेटवर्क का टैब है जो, ये हाँ अब यहाँ पे एक दफ़ा और ज़रा प्रोडक्ट ऐड करें, क्या होता है, पेज रिफ़्रेश हो जाता है आपका, क्या हो जाता है? अच्छा, पेज आपका ना रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है। तो एरर का मैसेज कोई आ भी रहा है तो आपको दिख नहीं रहा, वापस कंसोल पे जाएं, वापस कंसोल पे जाके ना प्रिजर्व लॉग एक उसमें आ रहा होगा वो आप, अच्छा वो प्रिजर्व चेक लॉग तो किया आपने किया हुआ है। अच्छा, वापस अपने आप ये HTML के कोड में जाएं, वहाँ पे अपने पेज रिफ़्रेश रोकने के लिए जो हम लगाते हैं वो लगाया हुआ है कोड आपने, रिटर्न फॉल्स, यस सर। रिटर्न फॉल्स तो लगाया हुआ है आपने। यार ये आपने ऑन सबमिट ना गलत लगा दिया, लेबल पे लगा दिया आपने, ये आपने फॉर्म में लगाना था, फॉर्म के अंदर, फॉर्म के टैग, हाँ यहाँ पे स्पेस डालें या पेस्ट कर दें, ये आप लगाए सही, पहले गलत लग गया था। अरे अपना माइक बंद कर लें यार, किसी का माइक खुला रह गया। पेज को रिफ्रेश कर लें ताकि वो नया आ जाए। ये लाइन नंबर 15 और इसमें क्या लगा हुआ है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल वैल्यू। लाइन नंबर 15 में आप कोई चीज़ डॉट वैल्यू लगा रहे हैं वो आपको मिल नहीं रही। लाइन नंबर 15, अच्छा ये 15 नहीं, एक मिनट, लाइन नंबर 15 नहीं, ये आगे जाके स्टैक ट्रेस क्या बनता है, एक मिनट दिखाइएगा, 61 बनता है लाइन नंबर 61 पे आपने डॉट वैल्यू लगाया हुआ। हाँ ये 61 पे जो है ना, नंबर ऑफ सेल्स जो आपने गेट किया हुआ है, ये आपने आईडी इसकी गलत लिखी हुई है ना, बॉडी डॉट नंबर ऑफ सेल्स लिखा हुआ है, ये आईडी इसकी आप सही करें, ठीक है। ये हैश नहीं लगाया ना, आईडी में हैश लगता है। बस ये अब आप चलाएंगे तो ये चल जाएगा इंशाल्लाह इसमें। ठीक है, अब कुछ हुआ है, रिक्वेस्ट गई है लेकिन सर्वर से वो एरर हो गया है, सर्वर के ऊपर अब एरर आ गया, लोकल होस्ट 3000 कह रहा है ये चल ही नहीं रहा, लोकल होस्ट 3000 आपका सर्वर, लोकल जो है ना सर्वर नहीं चल रहा आपका, आपकी लोकल मशीन के ऊपर। स्टार्ट की स्पेलिंग गलत थी, स्टार्ट की स्पेलिंग गलत थी आपकी। STARD, STARD अभी भी गलत है ये, STARD। अच्छा रुक जाए, इसको पूरा चल जाने दें। हाँ ये पूरा चल जाए ना, नहीं ये क्या हुआ, ये चला नहीं, रुक गया ये। आपने वो बनाया हुआ है इसका पैकेज डॉट जेसन बनाया हुआ है आपने, आपने पैकेज डॉट जेसन ही नहीं बनाया हुआ, इसको मिल ही नहीं रहा, ये NPM स्टार्ट कहाँ पर है, इसको नहीं मिल रहा। पैकेज डॉट जेसन की फाइल ओपन करें, ये स्टार्ट की स्क्रिप्ट आपने गलत लिखी हुई है ना, नॉड स्पेस सर्वर डॉट MJS होता है, नॉड स्पेस। सही है, चलें आप चलाएं। हाँ ये
चल गया। अब आप प्रोडक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। फिर इसको आप चला कर देखिएगा, मज़ीद कोई एरर आया तो फिर पूछ लीजिएगा आप बाद में। अभी आपकी स्क्रीन में बंद कर रहा हूँ। जी जनाब। सर मेरा भी देख लीजिए थोड़ा। जी दिखा दें, अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। ये इरफान आपने दो डिवाइस से लॉगिन किया हुआ, ये दो दो आपकी फोटो आ रही है यहाँ पे। जी सर एक मोबाइल पे किया हुआ था, ये एरर दिखाना था तो इस पे आया। सही। सर ये मसला आ रहा है, ये कंप्लीट अपडेट पे कर रहा हूँ ना तो ये चेंजिंग नहीं हो रही। कंप्लीट अपडेट जब क्लिक करते हो तो नेटवर्क का टैब मुझे खोल के दिखाओ कि रिक्वेस्ट क्या जाती है सर्वर पे, रिक्वेस्ट सर्वर पे जा भी रही है कि नहीं जा रही है। नेटवर्क के टैब में जाओ और अब कंप्लीट अपडेट का बटन प्रेस करो, फिर देखो क्या होता है। सही है, ये अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइन आ रहा है ना। अब अनडिफाइन, ये अनडिफाइन पे क्लिक करो, इसमें थोड़ा जूम इन भी करो, स्क्रीन तुम्हारी बहुत छोटी हुई हुई है, थोड़ा जूम इन भी करो, इस अनडिफाइन पे क्लिक करके अंदर का दिखाओ। अच्छा ये है वो URL, लोकल होस्ट 3000 प्रोडक्ट स्लैश अनडिफाइन। हाँ ना, ये प्रोडक्ट स्लैश अनडिफाइन का मतलब ये है कि तुम जो चीज़ गेट कर रहे हो वो तुम्हें अनडिफाइन मिल रही है, ये मतलब है इसका। जाओ अपना कोड दिखाओ, अब ये कंप्लीट अपडेट वाला फंक्शन दिखाओ। ये रहा सर, नहीं ये नहीं, कंप्लीट अपडेट। ये वाला है सर। हाँ कंप्लीट अपडेट तो नहीं है ये, ये कंप्लीट अपडेट पे। अच्छा यही क्लिक होता है, सही है। तो अब देखो तुम जो लाइन नंबर 162 पे जो प्रोडक्ट आईडी गेट करते हो ना, ये उसको नल मिल रही है। प्रोडक्ट आईडी की या तो आईडी स्पेलिंग गलत है तुम्हारी, मैच करो आईडी ऊपर वाले से, ये ऊपर जो फॉर्म बना हुआ है प्रोडक्ट आईडी, यहाँ सही है तीनों जगह, यहाँ भी सही है सर। हाँ तो फिर तुम्हें प्रोडक्ट आईडी तो मिलनी चाहिए फिर। इसको कोड को जरा इंटेंट करो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट दबाओ। अच्छा थोड़ा जूम इन करो यार, कोड बहुत छोटा हुआ है तुम्हारा, थोड़ा जूम इन करो, मुझे दिख रहा नहीं है। कंट्रोल प्लस से करोगे? हाँ ठीक है सर। हाँ अब बेहतर है कुछ नहीं है, एक स्टेप वापस करो, वापस छोटा कर दिया तुमने, तुमने बहुत छोटा कर दिया अब। हाँ इतने पे बस, सही है इतने पे रखो। अच्छा ये जो अब तुम्हारी प्रोडक्ट आईडी है और इनपुट पे आईडी डली हुई है, PRODUCT आईडी और वैल्यूज में ये डली हुई है डिसेबल। अच्छा नीचे जाओ, अब मुझे वो वाली आईडी दिखाओ। टर्मिनल को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, टर्मिनल को क्रॉस कर दो, टर्मिनल की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हमें टर्मिनल की ज़रूरत तो नहीं है ना। हाँ अब ये प्रोडक्ट आईडी जो है PRODUCT.VALUE, अरे ये तुमने स्लैश नहीं लगाया हुआ ना, लाइन नंबर 172 में स्लैश भी तो लगेगा एक, प्रोडक्ट स्लैश और प्रोडक्ट आईडी है ना, लाइन नंबर 172 में देखो। हाँ यहाँ पे स्लैश एक तो लगेगा तुम्हारा, दूसरा ये अभी भी तुम्हें अनडिफाइन क्यों मिल रहा है, ये प्रोडक्ट आईडी को ना ज़रा यहाँ पे कंसोल करवाओ, तुम लाइन नंबर 171 में कंसोल करवाओ प्रोडक्ट आईडी को जो तुम यहाँ से गेट करते हो। ये प्रोडक्ट आईडी तुम्हें अनडिफाइन क्यों मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अबे ये गाना
शॉप है किसी की, ये पूरे दिन गाने चलाता रहता है आजकल ना, सर अभी भी यही आ रहा है। तो वो मेरे इस पे क्लिक करो, इनडिफाइन पे क्लिक भी करो, देखो क्या आ रहा है। जबरदस्ती गाने याद करवा रहा है वो। अच्छा हाँ ज़बरदस्ती याद करवा रहा है। कंसोल पे जाओ, वो जो प्रिंट करवाया था हमने प्रोडक्ट आईडी, उसमें क्या प्रिंट हुआ है? अच्छा यहाँ भी अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है। अच्छा एक काम करो, ये पकड़ो इसका, ये पकड़ो सेलेक्ट एन एलिमेंट का बटन पकड़ो और उस पर लेके जाओ प्रोडक्ट आईडी पे के फील्ड पे। प्रोडक्ट ये वाला नहीं, सेलेक्ट एन एलिमेंट का बटन होता है ना जो मोबाइल डिवाइस के पड़ोस में, जो है मोबाइल डिवाइस के पड़ोस में जो सेलेक्ट एन एलिमेंट है इसके, हाँ एलिमेंट्स पे जाओ। यहाँ से मुझे खोल के दिखाओ कि वो अपडेट फॉर्म जो है ना तुम्हारा, अपडेट फॉर्म ये वाला नहीं, अपडेट फॉर्म जो है, अबे कंप्लीट अपडेट का जो होता है ना, हाँ इस पे फॉर्म खोलो ये वाला। हाँ फॉर्म के अंदर जो ये प्रोडक्ट आईडी है, देखो यहाँ पे क्या शो करता है, प्रोडक्ट आईडी, आईडिया दिया प्रोडक्ट आईडी। वैल्यू। यार सही तो आ रही है, बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पे। यार आईडी में कुछ मसला है, आईडी की स्पेलिंग यहाँ से कॉपी करो, आईडी की स्पेलिंग, मुझे स्पेलिंग का ही मसला लग रहा है अभी भी। डबल क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा, डबल क्लिक करो सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ कॉपी कर लो, जाके ज़रा वो क्वेरी सेलेक्टर जो है ना उस पर जाके पेस्ट करो उसको, क्वेरी सेलेक्टर पे ना ये पेस्ट करो, लाइन नंबर 162। कुछ फ़र्क था क्या पहले वाले से? यही थी सर, चेक कर लेना। रिफ्रेश कर लो इस पेज को, एक दफ़ा रिफ्रेश भी कर लो पूरे पेज को ना। प्रोडक्ट सी गायब हो गई। नहीं ये क्या हुआ, कनेक्शन रिफ्यूज़ हो गया तुम्हारा, सर्वर बंद हो गया तुम्हारा चलते चलते, सर्वर को दोबारा चलाओ। हाँ सर्वर बंद किया था ना सर। तुम्हारे इतने सारे टर्मिनल क्यों खुल रहे हैं? मैं तो उसको बंद करो, इतने सारे टर्मिनल को, ये साइड में छोटे छोटे हैं ना, सबको डिलीट का बटन दबाओ सबका, ये नए नए टर्मिनल नहीं खोला करो ना, बस इस पे रन करो, एक टर्मिनल होगा तुम्हारे पास, एन पी एम रन डेव एंटर। हाँ चलो अब प्रोडक्ट गेट करो वहाँ से। इसको क्लियर करो, हाँ कंसोल क्लियर हो गया, अब इसको करो एडिट, सही परफेक्ट। यार ये क्या बकवास है, तुम्हारा ये फंक्शन पहले ही चल जा रहा है। अच्छा एडिट करो, एडिट करके अब ज़रा कंप्लीट अपडेट दबाओ, फिर क्या होता है। भाईजान आपका ये फंक्शन ना पहले ही चल जाता है, आपको पता है ये पहले ही चल जा रहा है फंक्शन आपका। अब जो वो तुमने जो एच टी एम एल जो लिखा है ना, वो एच टी एम एल मुझे एक दफ़ा दिखाओ, उसमें कोई मसला है। तुम्हारा फंक्शन वो क्लिक करने से पहले ही चल जाता है। अपडेट इसके ऊपर जाओ, लाइन नंबर 161 से ऊपर जो तुमने एच टी एम एल लिखी हुई है यहाँ, ये एच टी एम एल मुझे एक दफ़ा ज़रा देखने दो इसको। और फॉर्म वाले पे जाओ, ऑन क्लिक जहाँ लिखा हुआ है, हाँ फॉर्म पे ऑन क्लिक वाले पे जाओ। बच्चा तुम बहुत ऊपर आ गए, हाँ इस पे रोको, इस एच टी एम एल के ऊपर, ऑन ऑन सबमिट वाली जगह पे जाओ। ऑन सबमिट पे जाओ, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट कहाँ है इसके अंदर, ऑन सबमिट है ही नहीं। हाँ ऑन सबमिट में जो ये एडिट प्रोडक्ट है ना, और रिटर्न फॉल्स भी है इसमें, ये फंक्शन तुम्हारा पहले ही चल जाता है, पहले कैसे चल जाता है ये? जैसे इसकी वजह से तो नहीं चलता। नहीं इसकी वजह से तो नहीं है ये फंक्शन तुम्हारा पहले कैसे चल रहा है, मुझे ज़रा ये दिखाओ, ये फंक्शन और कहाँ कहाँ कॉल हुआ हुआ है। एडिट प्रोडक्ट पे डबल क्लिक करो, ये एडिट प्रोडक्ट जो लाइन नंबर 177 में एडिट प्रोडक्ट जो फंक्शन का नाम है, कंट्रोल एफ दबा दो अब ज़रा। अच्छा तीन जगह पे ये कॉल हुआ हुआ है, जाओ सेकंड पहले वाले पे जाओ, पहला क्या है? पहला ये रहा। अब देखो ना तुमने बटन के ऑन क्लिक पे भी लगाया हुआ है इसको, बटन के ऑन क्लिक पे भी तुमने लगाया हुआ है, वहाँ पे भी लगाया हुआ है, इस तरह तो नहीं होगा ये। ये देखो ना तुम भाई, ये एडिट प्रोडक्ट और कंप्लीट अपडेट दो अलग अलग फंक्शन है, तुम इन दोनों में कंफ्यूज हुए हुए हो। सही है, एडिट के बटन पे क्लिक होने पे भी सेम फंक्शन चल रहा है और कंप्लीट अपडेट पे भी सेम फंक्शन चल रहा है, तो जाहिर है एरर तो आएगा ना। मैंने इसके लिए दो अलग अलग फंक्शन बनाए थे अगर तुम्हें याद हो तो।
कंप्लीट अपडेट जी का सर। फंक्शन जो है वो तुम एडिट प्रोडक्ट से मिक्स कर दिया है। पहले मैं समझ रहा था कि जस्ट नाम तुमने गलत रख दिया, लेकिन तुमने असल में फंक्शन ही गलत कर दिया दोनों। सही है जी सर, समझ गया। समझ गया ना, चलो अब इसको कर लेना तुम। अगर कोई इशू आए दोबारा तो फिर बाद में पूछ सकते हो। जी सर, हो जाएगा। अच्छा जी भाई, और कोई? फारिया जमाल जी, जी फारिया जमाल, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें जल्दी से। स्क्रीन शेयर कर दूं? जी जी बिल्कुल, फौरन स्क्रीन शेयर कर दिया करें। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ ना, मतलब आपका मसला सुनने लगा हूँ अब मैं, तो फौरन स्क्रीन शेयर कर दिया करें। अच्छा पहले मसला अपना वर्बली बताएं कि मसला आ रहा क्या है। मैं बेस यूआरएल लगा रही हूँ तो वहाँ पे शो नहीं हो रहा। अच्छा देखें, अब ये ना कह रहा है कि आपका ये लोकल होस्ट 3000 पे जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है ना, वो सर्वर चल ही नहीं रहा। लोकल होस्ट 3000 चल ही नहीं रहा सर्वर। जी वो तो अभी मैंने बंद किया था। हाँ चला लें जल्दी से। अब दोबारा कर दें रिक्वेस्ट। Add in database. अच्छा ये हो गया, ऐड हो गया प्रोडक्ट। जी यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट भी आ गई। गुड, जबरदस्त। डिलीट नॉट अलाउड, डिलीट के बटन पे जब रिक्वेस्ट आप करती हैं तो ये रिक्वेस्ट भेजता है 127 पे भेज रहा है रिक्वेस्ट, ये लोकल होस्ट 3000 की जगह ना। अब डिलीट के बटन पे क्या फंक्शन है वो दिखाएं मुझे ज़रा आप। हाँ डिलीट प्रोडक्ट में ना ये बेस यूआरएल में आपने गलत लगा दिया, ये बैकटिक लगाना था इसके अंदर, आपने गलत लगा दिया यहाँ पे। हाँ यहाँ बैकटिक लगाना था, आपने सिंगल कोट लगा दिया। हाँ देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया ना, अब ये सही हो गया। सेव करें, आप चला कर देखें। ये फिर वहाँ पे भी मैंने इसी तरह किया, देख लीजिए जहाँ जहाँ जो टेम्पलेट है ना वो लगता है बैकटिक के अंदर। और अगर टेम्पलेट नहीं लगाना आपने तो प्लस करके लगा लें, जैसे देखें ये 92 में ना प्लस करके लगा हुआ, ये भी सही तरीका है, लेकिन टेम्पलेटिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों तरीके मैंने करके दिखाए हैं कोड में, दोनों सही हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर। हाँ चलाएं उसको, डिलीट का बटन दबाएं, आप देखें क्या होता है। रिफ्रेश कर लीजिएगा इस पेज को एक दफ़ा और फिर डिलीट का बटन दबाएं। अच्छा अब ये आ रहा है 404 कि ये जो डिलीट की रिक्वेस्ट आपने की है प्रोडक्ट पे और ये सर्वर पे मौजूद ही नहीं है डिलीट करने का। नेटवर्क के टैब में एक दफ़ा जाइएगा, दो मिनट वापस जाएं नेटवर्क के टैब में जी। वो मैं पूरा यूआरएल देखना चाह रहा हूँ कि पूरा यूआरएल क्या गया है। ये जो लाल हुआ है ना नीचे, इसको पे इस पर क्लिक कीजिएगा। ये है पूरा यूआरएल, लोकल होस्ट 3000/product, बिल्कुल सही है यूआरएल, यूआरएल तो बिल्कुल सही है। आ जाएं सर्वर पे, ये बना हुआ है सर्वर पे या नहीं बना हुआ देख लेते हैं। अच्छा डिलीट वाले को कमेंट किया हुआ है आपने अभी, इसको खोल दें कमेंट को, इसीलिए नहीं मिल रहा था ये।
अब ज़रा जाके दोबारा डिलीट का बटन दबाएं, देखें क्या होता है। रिफ्रेश कर लें इस पेज को। हो गया डिलीट, क्या बात है, ज़बरदस्त, वेल डन, थैंक यू सर। चलें अच्छा जी, तो अब हम शुरू करते हैं रिएक्ट आज का, क्योंकि हमारा जो हमारी जो क्लास है उसमें हम रिएक्ट शुरू करने लगे हैं। जी आतिफ, आपने दोबारा स्क्रीन शेयर की है। अच्छा, तो ये वाली मैं रिकॉर्डिंग यहाँ रोक देता हूँ, फिर मैं रिएक्ट के लिए एक नई रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, दोनों अपलोड कर दूँगा बाद में। फिर सर वो देखा लेकिन एक और आ रहा है। अच्छा एक और है, देख लेते हैं, करो स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। अच्छा फारिया जमाल ने पूछा है कि सर लॉगिन नहीं करवाएंगे, लॉगिन करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ये सर्वर तो हमारा चलता रहेगा ना, साथ साथ चलेगा सर्वर। हम रिएक्ट के ऊपर ना पूरा लॉगिन, साइन अप, ये प्रोडक्ट, ये सबको मिक्स करेंगे हम, ये पूरा पूरा एक स्टोर तैयार करेंगे हम इंशाल्लाह। सर इधर से ऐड हो रही है लेकिन उधर शो नहीं हो रही। ऐड हो गई है ना, तो इधर जॉब करता हूँ। अच्छा ये जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, yes, तो ये कह रहा है कि ये भाई एस लगा दिया ना आपने, लोकल होस्ट में एस नहीं लगता, जाएं अपने कोड में जाएं, ऑल प्रोडक्ट जहाँ पे गेट होती है वहाँ पे जाएं, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल, ऑल प्रोडक्ट जहाँ गेट करते हैं आप वहाँ जाएं, ये एस जो आपने लगाया हुआ ना बेस यू आर एल में, बेस यू आर एल पे जाएं, बल्कि आप बेस यू आर एल आपका कहाँ है, ये बेस यू आर एल दिखाएं, ये जो आपने लाइन नंबर 68 में एच टी टी पी एस लगाया है ना, ये एस हटा दें बस आप। हाँ ये लोकल पे ना एस नहीं लगता, जो हरिको होता है उस पर, एस क्लाउड होता है उस पर लगता है एस। रिफ्रेश करें पेज को, रिफ्रेश करें। अच्छा अब क्या मसला है, अब ये कह रहा है 404, कह रहा है ये रिक्वेस्ट तो बनी भी नहीं है, प्रोडक्ट में एस है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, तमाम प्रोडक्ट को जो गेट करने की रिक्वेस्ट है उसमें एस लगा हुआ होता है, प्रोडक्ट्स, वो एस भी आपने नहीं लगाया, एस आपने कहीं और का कहीं और कर दिया। सर पहले लगाया हुआ था, अभी की दिखाएं मेरे कोड, गेट गेट ऑल प्रोडक्ट वाला कोड दिखाएं मुझे, स्क्रॉल थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, हल्का सा बिल्कुल, हाँ ये देखें लाइन नंबर 76 में जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना इसमें एस लगेगा, जब ही तो सारे प्रोडक्ट गेट होंगे ना। ये हमने रेस्ट एपीआई के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, तो सर्वर पे एस लगा हुआ है, यहाँ आपने नहीं लगाया हुआ। अब करें इसको रिफ्रेश करें पेज जाके उधर। अब कोई और मसला आ रहा है इसके अंदर? अच्छा सर्वर आपका बंद हो गया है, सर्वर बंद हो गया आपका, देखें क्यों बंद हो गया, सर्वर को रोक के दोबारा चलाएं, सर्वर में कोई एरर आया है जिसकी वजह से सर्वर बंद हो गया। सर्वर दोबारा बंद हो गया, अब सर्वर में देखना पड़ेगा वो कोई एरर सर्वर के अंदर आ रहा है ऐसा जिसकी वजह से वो बार बार बंद हो रहा है, क्रैश हो रहा है इसको। ये नहीं, ये जो आप खोलें ना टर्मिनल, वो जो सर्वर का एरर देखें ना उसमें क्या दिखा रहा है, वो टर्मिनल को वापस ओपन करें, इसको स्क्रॉल करें पहली लाइन से जहाँ से रन हुआ है सर्वर वहाँ से मुझे ये दिखाएं आप। ये कह रहा है टाइप एरर, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड डॉट एग्जिक इज़ नॉट अ फंक्शन, लाइन नंबर 33 सर्वर के अंदर, लाइन नंबर 33 में एरर है आपके, डॉट कैच आपने लगाया हुआ है वो उसके अंदर मिल ही नहीं रहा उसको, लाइन नंबर 33। थर्टी थ्री में डॉट कैच जो आपने लगाया ना, ये एग्जिक के ऊपर ना लाइन नंबर 32 में एग्जिक पे आपने गोल ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किया हुआ, कॉल सिग्नेचर मिसिंग है आपका। हाँ ये गोल ब्रैकेट आप एग्जिक के आगे ना, हाँ ये जो गोल ब्रैकेट है दिस इज़ कॉल्ड
कॉल सिग्नेचर, ये आपका मसला था, ये सही हो गया, सेव कर दें उसको, चला कर देखें उसको। सर्वर को दोबारा रन करो। हाँ सर्वर को दोबारा रन करना होगा बिल्कुल। गलत आपने लिखा है, वो वाला चलाए ना। हाँ एन पी एम रन डेव नहीं आपने बनाया हुआ जो खुद ही रीस्टार्ट होता है, वो वाला चलाया करें। चलें अभी फ़िलहाल रिफ़्रेश करके देखें क्या सीन है इसकी। अच्छा प्रो, अब आपके जो है ना एच टी एम एल के अंदर इशू आया है सर्वर से, तो आपके देखें डेटा आ गया है, देख रहे हैं आप प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल लाइन नंबर 77 पे, ये जो कंसोल आया ना तीन प्रोडक्ट आई हैं, ये सर्वर से तो डेटा आ गया है। अब आपके जो फ्रंट एंड है ना एच टी एम एल का जो कोड है आपके लाइन नंबर 97, इसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट डिव करके कोई चीज़ है जो आप इसको मिल नहीं रही, ठीक है, तो ये आप मसला देख लीजिएगा, ये हो जाएगा सॉल्व। अच्छा फिलहाल अभी आप इसको छोड़ दें, ये तो अभी करने की चीज़ नहीं है ना, अभी आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्लास कब लेंगे आप, तो ये क्लास लेने के फ़ौरन बाद ये काम करने वाले होते हैं, ठीक है, जो आप अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मेरा ख्याल है अभी इसको यहीं पे रोक दें, अभी आप बाद में कीजिएगा, अभी अब क्लास ख़त्म होने के बाद कीजिएगा आप ये, ठीक है।